वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तुर्की में ना ये जो डेथ टोल है, जो लोग जो खत्म हो गए हैं, मर गए हैं, इट्स टचिंग अराउंड 30,000 और मोर देन दैट। और यूनाइटेड नेशंस का ये कहना है कि जब तक पूरा मामला खत्म होगा तब डेथ टोल को डबल, यानी 50-60,000 टच करेगी। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा लोग कह रहे हैं। कई सारे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, कई सारी ऐसी फोटोज गर्दिश कर रही हैं जहां पे हम देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी वहां पे जबरदस्त काम कर रही है और लगातार हमारी फ्लाइट्स जा रही हैं और वहां पे हॉस्पिटल भी बना रखा है इंडियन आर्मी, और ये सब काम तुर्की में इंडियन आर्मी कर रही है। देखिए, तुर्की के हाल बड़े खराब है इस वक्त। हाल तो खैर सीरिया के भी बहुत खराब है, लेकिन फिर सीरिया का मामला पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है, वहां पे सिविल वॉर चला। आज की तारीख में भी सीरिया में काफी परेशानियां हैं, लेकिन तुर्की में ऐसा नहीं। तुर्की में जो भी हुआ अर्थक्वेक की वजह से हुआ और काफी जाने चली गई, कई बिल्डिंग्स गिर गई, तो वहां पे एर्दोगान के लिए एक उसके खिलाफ एक रोष भी है कि आपने कैसे बिल्डिंग के परमिट दे दिए। वो बिल्डिंग जब आपको पता था कि यहां पे अर्थक्वेक का डेंजर है, तो आपकी सरकार ने किस तरीके से बोल दिया कि ये बिल्डिंग बिल्कुल ठीक है और ये नहीं गिरेगी और समथिंग लाइक दैट। जो भी उसका अप्रूवल देते होंगे स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स या कोई ऐसा अप्रूवल देते होंगे, तो उसमें लोग कह रहे हैं कि ये सरकार ने शॉर्टकट करा है। तो जब सरकार ने शॉर्टकट करा है तो जाहिर सी बात है कि देन पीपल विल गेट वेरी अपसेट, विल गेट एंग्री, और ये गुस्सा अब तुर्की की सड़क पे आ रहा है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको लेकर, राइट। लोग सोशल मीडिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एर्दोगान ने बोला है कि जो ऐसी बकवास कर रहा है मैं उसको अरेस्ट करवा दूंगा, तो कुछ लोग अरेस्ट भी हो रहे हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज पीपल आर वेरी वेरी अनहैप्पी। और एर्दोगान ने बोला भी है, यार हमसे भूल चुक हो गई, 3-4 दिन पहले ही बोल दिया था कि हमसे भूल चुक हो गई है जिस तरीके से हमने इसको मैनेज करा है। और मुझे लगता है कि इतनी टर्किश गवर्नमेंट की भी गलती नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब इस मामले पे चीजें होती हैं दोस्तों, जब इस स्केल पे चीजें होती हैं, आप समझ लीजिए कि भगवान ही आपसे गुस्सा होगा, तो इंसान क्या ही कर लेगा यार, इंसान क्या ही कर लेगा। आप क्यों, ठीक है, बिल्डिंग का जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करा नहीं करा, वो आई डोंट नो द रियल स्टोरी, तो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन अब हो गया जब ना ऐसा, तो अब फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कि जो फंसे हुए मलबे में उनको निकालो, जिनको चोट लगी है उनको उनको ठीक करो, और जो खत्म हो गए हैं तो उनके परिवारों के साथ बातचीत करके उनका बेरियल करना है, ये जो भी उनकी लास्ट राइट्स हैं, जो उसकी रसूमात हैं, वो करके खत्म करा जाए मामला, और किस तरीके से तुर्की अपने आप को रिबिल्ड करे। मैं सिर्फ तुर्की के लोगों को एक और चीज बोलना चाहता हूँ। ये हर जगह हम देखते हैं ना, फोटो तिरंगा लगा है और वहां पे ट्राई कलर है और ऑपरेशन दोस्त उसके नीचे लिखा हुआ, काफी जगह ऐसा है। ये दुनिया ने भी एहसास करा, चाहे वो कोविड के समय की बात हो, चाहे यूक्रेन से जब हमारे स्टूडेंट्स को निकलना हो तब की बात हो। तो मैं तुर्की के लोगों से भी यही कहूंगा कि ये जो तिरंगा आप देख रहे हैं ना, सिर्फ ये भारत का ध्वज नहीं है, भारत का झंडा नहीं है, ठीक है ना, ये वादा है कि हम आपकी मदद करेंगे। दिस इज अ प्रॉमिस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, या आपकी सुरक्षा का वादा है, आप उसको वैसा समझिए। और जब भी बहुत मुसीबत आए, बहुत आपको ऐसा लगे कि अब सब कुछ गड़बड़ हो गया, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं इमोशनल होकर नहीं कह रहा, मैं आपको सच बात बता रहा हूं, दिल की बात बता रहा हूं। जब भी आपको लगे कि सब खत्म हो गया और अब मेरे सारे आगे के रास्ते बंद हैं बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक, आपको कुछ भी पर्सनल नुकसान पहुंचा होगा परिवार को लेके या प्रॉपर्टी को लेके या किसी भी चीज को लेके, आप जाइए, वहां पे इंडियन आर्मी है, ठीक है, और आप तिरंगे के पास जाइए, तिरंगे के नीचे खड़े हो जाइए। और मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको ये इमोशनल बात नहीं, प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूं, आप तिरंगे के नीचे खड़े हो जाएंगे ना, सब ठीक हो जाएगा, आपको एक ताकत मिलेगी। जो आपका नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन आपको ताकत मिलेगी सिचुएशन के साथ डील करने की। ये चीज मैं कई बार ट्राई कर चुका हूं अपनी लाइफ में, दैट फ्लैग इट डज समथिंग टू यू, एंड इट्स नॉट जस्ट बिकॉज आई एम एन इंडियन और फ्रॉम द आर्मी, दैट्स नॉट व्हाई, दैट फ्लैग डज समथिंग, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको,
लेकिन मैं तुर्की के भाई बहनों से बोलूंगा जस्ट जस्ट गो एंड स्टैंड अंडर द ट्राइकलर, इट विल गिव यू स्ट्रेंथ इन योर डार्केस्ट आवर्स, इट विल गिव यू लाइट. जब आपको लगता है ना कि सब खत्म हो गया, तिरंगा आपको रोशनी देगा, मेरी बात मानिए. दोस्तों, इमरान अली खान नियाज़ी, प्रभु आपके चरण कहां है? पहले मैं इमरान खान से यह पूछना चाहता हूं कि आपके चरण कहां है भाई साहब. आई वॉन्ट टू आस्क इमरान खान नियाज़ी, भाईजान आपके चरण कहां है? पहले तो मैं पैर छूना चाहता हूं इमरान खान के. ये इंसान, ये पुरुष नहीं, ये महापुरुष है. ये बहुत हाई लेवल का पुरुष है. ठीक है, इमरान खान नियाज़ी ने इंटरव्यू दिया वॉइस ऑफ अमेरिका को. फिर से इतने महीने से अमेरिका को गाली दे रहा है, इतने महीने से अमेरिका पे थूथू कर रहा है, इतने महीने से कह रहा है कि ये साइफर है, ये देखो ये कागज है, ऐसा हो गया, ऐसे कागज, सॉरी ये टिश्यू पेपर है, लेकिन वही है, इमरान खान ने भी टिश्यू पेपर ही लाया था मुझे लगता है. ये साइफर है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसमें अमरीका की साजिश है और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, और अमरीका नहीं चाहता कि मैं प्रधानमंत्री बना रहा हूं पाकिस्तान का, क्योंकि मैंने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया, क्योंकि मैंने उनको ड्रोन के बेसिस नहीं दिए, क्योंकि मैंने पाकिस्तान को नहीं बेचा, क्योंकि 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 25 बार उसने क्योंकि बोल दिया. अच्छा, जो इमरान खान के सपोर्टर हैं वो दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट एक्चुअली. इवन इमरान खान इज कनिंग, इमरान खान चालाक है. ठीक है, इमरान खान चालाक है, इमरान खान बुद्धिमान नहीं है, ही इज कनिंग. ठीक है, ही इज गुड टू सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स ऑफ अ कॉकरोच. इमरान खान इज नॉट इंटेलिजेंट, वो ऑक्सफोर्ड पता नहीं कैसे पढ़ा उसने, लेकिन इमरान खान इज नॉट वेरी वेरी स्मार्ट दैट वे. ही इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल, उसको समझ नहीं है, क्या तो झूठ बोल देता है. अच्छा, उसके जो सपोर्टर है उससे बड़े पैदल है, वो उससे बड़े पैदल है. क्यों? खान ने जो बोल दिया उसको लगता है कि उन लोगों को लगता है कि ऊपर से खुदा का हुक्म आ गया, खुदा ने बोला है कि तुम ये करो तो हमें करना है आंख बंद करके. देखो, इमरान खान इतने महीनों से बोल रहा था, इतने महीनों से लगातार इमरान खान क्या बोल रहा था. इमरान खान एक बात कह रहा था, अमरीकी साजिश है, अमरीका वो डोनाल्ड हू करके वो क्या ऐसी कुछ नाम था उसको याद है आपको, डोनाल्ड हू, कि डोनाल्ड हू ने मेरे खिलाफ साजिश कर, उसने पाकिस्तान के एम्बेसडर को बोला कि तुम्हें हम तभी बचाएंगे जब तुम इमरान खान को हटा दोगे. ये सब कुछ करा इमरान खान ने, बोला इंपोर्टेड हुकूमत ना मंजूर. इंपोर्टेड हुकूमत कौन? शहबाज शरीफ. कहां से इंपोर्टेड? अमेरिका से. यानी कि शहबाज शरीफ को अमेरिका ने आशीर्वाद दिया. अब जब से जनरल बाजवा रिटायर हुआ है तो इसको एक और टारगेट मिल गया इमरान खान को, यानी कि जनरल बाजवा. अब जनरल बाजवा इमरान खान के कपड़े उतारता है और इमरान खान जनरल बाजवा के कपड़े उतारता है. जनरल बाजवा डायरेक्टली भी बोलते, जनरल बाजवा चुपचाप जावेद चौधरी करके बड़े फेमस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है और इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं. वेरी सॉर्टेड मैन, मतलब मेंटली जो है बड़ा बैलेंस करके, जो भी लोग कहते हैं कि हुकूमत के बड़े क्लोज हैं, जिसके भी क्लोज हैं, वो अलग बात है. लेकिन आई लाइक हिज स्टाइल ऑफ यू नो कमेंट्री, जिस तरीके से वो बयान करते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है. जावेद चौधरी का बड़ा मेजर्ड, बड़ा जिसको कहते हैं ना पॉलिश्ड, और बड़े अच्छी तरीके से बात समझाते हैं, कोई चीख चिल्लाहट नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल. तो ये जावेद चौधरी साहब को ये बाजवा साहब कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो ये एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं. ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इमरान खान का लेटेस्ट धमाका क्या है. इमरान खान का लेटेस्ट धमाका ये है, वॉइस ऑफ अमेरिका में वो जो लेडी इंटरव्यूअर है वो पूछ रही है इमरान खान से कि खान साहब क्या हो गया, तो कह रहे नहीं नहीं देखो ऐसा है कि अमेरिका की तो बात ही कुछ नहीं है, अमेरिका ने तो कुछ करा ही नहीं, और पाकिस्तानी चाहते हैं कि अमरीका से हमारी अच्छी दोस्ती हो. पाकिस्तानियों के फायदे में तो यही है कि अमरीका से अच्छी दोस्ती हो, और मुल्क जो है वो इमोशनल होके ज्यादती दुश्मनी से या अपने कोई ईगो में पॉलिसीज नहीं बनाते, है ना, ईगो में पॉलिसीज नहीं बनाते. जो मुल्क हैं वो तो अपने मफाद देखते हैं. एक तो पाकिस्तान में ना ये पता नहीं किसने चूरन खिला दिया कि मुल्क अपने मफाद तो देखेंगे ही, मुल्क अपने फायदे तो देखेंगे ही, लेकिन फायदे के अलावा और भी 10 चीजें होती हैं जिसकी वजह से मुल्क कर रहा है कोई भी. अब भारत तुर्की में इतनी मदद कर रहा है, भारत का क्या फायदा है उससे? कोई फायदा है भारत का? नहीं. ये डिजास्टर डिप्लोमेसी आप इसको कह सकते हैं. भारत मदद कर रहा है बिकॉज इट्स ह्यूमन थिंग टू डू. भारत ने जो इतने लोगों को कोविड वैक्सीन, 100 देशों में कोविड वैक्सीन पहुंचाई, क्या मिल गया भारत को? खजाना मिल गया कोई? नहीं, भारत को खजाना मिल गया है, किसी ने हीरो का हार पहना दिया मोदी जी को. तो ऐसी बात नहीं कि मुल्क सिर्फ अपने मफाद में काम करते हैं, फायदे में काम करते हैं, लेकिन कई कारण होते हैं जिसकी वजह से मुल्क कुछ काम करते हैं.
नेशनल इंटरेस्ट इज वन पार्ट ऑफ इट बट इट इज नॉट द ओनली पार्ट, है ना। तो इमरान खान ने यू टर्न का बाप ले लिया और इमरान खान ने बोला कि पाकिस्तानी लोग अमेरिका से प्यार करते हैं, कख नहीं प्यार करते, मैं बता रहा हूं आपसे, ठीक है, ये कख नहीं प्यार करते, ये कुछ नहीं करते, पाकिस्तान में एंटी अमेरिकनिज्म सबसे ज्यादा है, ये नफरत करते हैं अमेरिका से, ये नफरत करते हैं अमेरिका से, ठीक है। और उस नफरत का बहुत बड़ा जिम्मेदार इमरान खान भी है, क्योंकि इमरान खान ने बोला हमने पैसे लेके ड्रोन मारे, ये करे वो करे, इसने भी नैरेटिव बढ़ाया। अब इसको लग रहा है यार कि अगर मैं पावर में आ गया तो मुझे तो अमरीका की जरूरत है, क्योंकि सब लोग कहते हैं खान साहब जैसे चुनाव होंगे आप जीत जाएंगे, इंतखाबात होंगे तो खान साहब जी, और मैं भी कह रहा हूं, मेजर गौरव वाले भी ये बात कह रहा है कि जब इलेक्शन होंगे इमरान खान जीतेगा और इमरान खान मेजोरिटी से जीतेगा, ये बात तय, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। इलेक्शन कब होंगे मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी तो नहीं हो रहे, अभी तो नहीं हो रहे, ये करंट हुकूमत शहबाज शरीफ को डिले कर डिले कर सकते हैं जितना कॉन्स्टिट्यूशनल ये लोग डिले कर सकते हैं करेंगे, और जब कॉन्स्टिट्यूशनल डिले नहीं होगा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनली भी डिले करेंगे 3-5 करके। लेकिन इमरान खान को यार मैं बाकी देखो, मैं फॉरेन पॉलिसी की बात, जियो पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि यार खान साहब एक बंदे की जबान होती है ना। अगर मैं एज मेजर गौरव आर्य, मेरी औकात ही क्या है, लेकिन अगर मैं किसी अपने जान पहचान वाले को, किसी दोस्त को बोलूंगा ना कि मैं ये काम करने वाला हूं, मैं नहीं करूंगा, वो मुझसे कुछ नहीं कहेगा, ही विल नॉट से एनीथिंग टू मी, हो सकता है शर्मा शर्मी में मुझसे कुछ ना बोले, लेकिन उसके मन में वही कहेगा यार मेजर यार तुम्हारी जबान की क्या वैल्यू, तुमने जबान दी थी, आप तो रोज वादा खिलाफी करते हैं खान साहब, एवरी सिंगल डे इमरान खान टेक्स अ यू टर्न, खचड़ा होता है, मुझे नहीं पता कल ये जाके बोले कि जनरल बाजवा मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कुछ भी बोल सकता है। और इमरान खान के जो फॉलोअर हैं, जो अपने आप को इंसाफियन कहते हैं, वो इतने दिमाग के पैदल हैं भाई साहब, इतने दिमाग के पैदल हैं कि बावले की तरह घूमेंगे, अच्छा खान ने बोल दिया, आपने देखा था वो मिस्टर इंडिया में, आपने देखा था मोगैम्बो, याद होगा ना आपको मिस्टर इंडिया फिल्म थी अनिल कपूर की, उसमें मोगैम्बो वो कहता है वो उसमें एसिड होती है, तेजाब होता है, तो कहता है कि कूदो उसमें, तो कहता है हेल मोगैम्बो, और खट से कूद जाता है, अपनी जान दे देता है, फिर कहता है कूदो उसमें, कह रहा है हेल मोगैम्बो, ये हेल इमरान खान, ये इस टाइप के उसने फॉलोअर पैदा कर दिए, इससे कोई सवाल जवाब करता नहीं, तरीके इंसाफ के हेल इमरान खान बिल्कुल चलती है, 100% चलती है इमरान खान की। इमरान खान जो बोले, मैं बता रहा हूं आपको, इमरान खान जो बोले, झूठ बोले सच बोले, बिकॉज उसमें क्या है कि उसके फॉलोअर्स नहीं है, दे लाइक ज़ॉम्बीज, दे लाइक रोबोट्स, ये रोबोट्स है तरीके इंसाफ वाले, जो इमरान खान बोल रहा है कि अमरीका ने साजिश करी नहीं। दोस्तों पॉलिटिक्स तो इंडिया में भी होती है, और पाकिस्तान से कहीं ज्यादा पॉलिटिक्स इंडिया में होती है यार, पाकिस्तान से 100 गुना ज्यादा पॉलिटिक्स होती है। लेकिन मैंने यहां पर लोग जेल चले गए, ठीक है, उनके ऊपर केसेस हुए, कोर्ट ने उनको जेल में डाला, कई सारी ऐसी चीजें हुई, लेकिन मैंने कभी यार इमरान खान जैसा बंदा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में नहीं देखा, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, नॉर्थ कोरिया में ऐसा जो बंदा, मतलब कोई ऐसा इंसान इंडिया में, यार देखो क्या भारत में वादा खिलाफी नहीं होती, होती है, भारत में करप्शन नहीं है, बिल्कुल है, क्या भारत में वो सब बुराइयां नहीं है भारत के लोगों में जो और जगह है, होती है यार, इंसान है, यहां पे चोरी भी होगा, यहां पे गलत काम भी होंगे, यहां पे सब कुछ होगा, वही अमेरिका में भी होगा, वही चाइना और रूस में, पाकिस्तान में, हर जगह होगा। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं हाथ जोड़ के आज, दोस्तों मैंने इमरान खान जैसा बंदा देखा ही नहीं, जो जो 12 घंटे अपनी जबान पर ना टिके, आई हैव नेवर सीन अ पर्सन लाइक दिस, हाउ कैन यू ट्रस्ट। लेकिन फिर वही बात है, हेल मोगैम्बो अंदर अभी चल रहा है पाकिस्तान में, तो चल रहा है, दे आर हैप्पी विद हेल मोगैम्बो। अच्छा दोस्तों एक और चीज है कि यह खबर आई है, गवर्नमेंट इंप्लीमेंट्स रेवेन्यू मेजर्स फ्रॉम फरवरी 15th टू सिक्योर 1.2 बिलियन IMF ट्रांच अर्ली। ये किसान पैकेज है और पावर सब्सिडी है, इसको खत्म कर दिया है, हाँ जी, और 1% हाइक इन जीएसटी टू यील्ड एडिशनल 70 बिलियन रुपीज इन 4.5 मंथ्स। बेसिकली क्या है कि मैं आपको बताता हूं उसकी छोटी सी चाबी क्या है, बताएं मेजर साहब, चाबी दोस्तों सिर्फ ये है कि जो IMF है, IMF ने, और ये बात शहबाज शरीफ ने भी बोली है, मैं वो वीडियो नहीं डालना चाहता, आई विल नॉट पुट दैट वीडियो, आप लोग जाके यूट्यूब में खुद देखो, ठीक है, शहबाज शरीफ ने बोला है कि IMF
ने पाकिस्तान को यह बोला है कि यू पीपल आर नॉट ट्रस्टवर्दी, तुम पर भरोसा नहीं करा जा सकता, तुम लोग वादा करते हो मुकर जाते हो, तुम लोग झूठ बोल देते हो मुंह पर वादा करके। इनमें मैं बता रहा हूं गैरत और इखलाक है ही नहीं, और आईएमएफ ने पाकिस्तान को बोला है। ये शहबाज शरीफ की वर्जी आप जाके देख लीजिए, शहबाज शरीफ खुद एडमिट करता है कि कह रहे यार आप तो वादा करते हो वादा खिलाफी कर देते हो, आईएमएफ से बोलते हो हाँ पैसा दे दो हमें काम कर देंगे, फिर करते ही सबसे पैसा ले लेते हैं, आपसे पैसा ले लिया बोला साहब आप कौन है। तो दोस्तों इस तरीके से बात हो गई कि शहबाज शरीफ मेरे पास आया और बोला मेरे साथ जरा 100 रुपए देना, मैंने शहबाज शरीफ 100 रुपए दे दिए। शहबाज शरीफ ने बोला था कि मैं साहब मैं एक दिन में आपको लौटा दूंगा, कल आ रहा हूं मैं आपके पास। एक दिन हो गया, एक हफ्ता हो गया, दो हफ्ते, तीन हफ्ते, एक महीना हो गया, शहबाज शरीफ टकराया रास्ते में। मैंने बोला क्यों शहबाज भाई, आप तो 100 रुपए देने वाले थे एक दिन में, एक महीना हो गया। चश्मा ऐसे लिया ने जो है ना वो 20 के ऊपर जो है ना वो लगाया था कि 20,000 के करीब हो सकती है, लेकिन अब आपके सामने 30 से भी ऊपर निकल गई है। अब देखो ना तैयब उर्दगान, अब वो एक उन्होंने तहकीकात की है कि ये एक कुदरती आफत है, ठीक है, लेकिन वो आप पकड़ रहे हैं जिन्होंने, ठीक है वो भी तनकीद हो रही है कि जो दीवारें थी जो एक मतलब कि आपने उन पर जो परमिशन दिया वो क्यों दी है, क्योंकि जितना एक उधर आया ना जलजला वो दीवारें मतलब कि उन्होंने परमिशन लेनी होती है कि इतना कि ये सह सके। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।